जो पहला आरोप है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत किकबैक के तौर पर शराब कारोबारियों द्वारा आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को दी गई। इस किकबैक देने में एक शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा जी भी शामिल थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, ऐसा सीबीआई भी कह रही थी, ऐसा ईडी भी कह रही थी। लेकिन कल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से पैरा 74 में अपने ऑर्डर में कहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस शोइंग एनी सच कैश पेमेंट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ब्राइब और रीपेमेंट ऑफ किकबैक्स। द ओनली एविडेंस प्रेजेंटेड हैज बीन सम वेग स्टेटमेंट्स मेड बाय विटनेसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इट कैनॉट बी इन्फर्ड दैट कैश पेमेंट्स वर गिवन एज ब्राइब्स। सो कोर्ट ये स्पष्ट तौर से कहता है कि रिश्वत देने का, एक नए पैसे की भी रिश्वत देने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है, ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। तो ईडी की कहानी शुरू होती है 100 करोड़ रुपए से। हालांकि ये 100 करोड़ रुपए की का जो अमाउंट है ये कहां से आया ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईडी खुद अपनी चार्जशीट में सिर्फ 30 करोड़ रुपए के अमाउंट की बात करता है। तो पहले 100 करोड़ से तो ईडी खुद 30 करोड़ पे आ गई। ये जो 30 करोड़ है जो तथाकथित रूप में किकबैक के रूप में आया, उस पर ये आरोप है कि एक शख्स जिनका नाम है राजेश जोशी, जो बेचारे एक छोटे से वेंडर हैं, पोस्टर लगाते हैं, आउटडोर की होर्डिंग लगाते हैं, एसएमएस भेजते हैं, आईवीआर कॉल भेजने वाले एक छोटे से वेंडर हैं, उन पर ये आरोप लगा कि 30 करोड़ रुपए इस रिश्वत से, इस किकबैक से राजेश जोशी जी के माध्यम से दिल्ली आया और फिर राजेश जोशी जी ने ये 30 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा पहुंचाया। तो अब हम 30 करोड़ पे आ गए हैं। तो इस 30 करोड़ की क्या कहानी है इसको हम देखते हैं। पैरा 44 में इस 30 करोड़ रुपए के बारे में कोर्ट ये कहता है, देर इज नो इंडिपेंडेंट एविडेंस कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू सब्सटैंशिएट और कोरोबोरेट दिस फैक्ट। तो जो 100 करोड़ से 30 करोड़ पर ईडी आई, उस 30 करोड़ पर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से बोला है कि 30 करोड़ के लेन देन का कोई भी सबूत नहीं है। और कोर्ट ने उसके बाद बोला है कि आपके पास जो सबूत है हम उसे सबूत नहीं मान सकते हैं कि राजेश जोशी का नंबर किसी के फोन में सेव था, कि राजेश जोशी ने किसी को कॉल किया। उन्होंने कहा नंबर सेव होना, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को कॉल करना कोई भी सबूत नहीं माना जा सकता। उसके बाद ईडी ने कहा अपने आरोप में कि ये जो 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी ने तथाकथित रूप से दिल्ली से गोवा पहुंचाए, इस पैसे का हवाला, इस पैसे का लेन देन पर्चियों के माध्यम से हुआ। इस पर्चियों पर भी कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी है। इस ऑर्डर के पैरा 46 में इन पर्चियों के बारे में कोर्ट का यह कहना है, हाउएवर इवन दीज पेपर स्लिप्स हैव नॉट बीन रिकवर्ड ईदर इन हार्ड और इन डिजिटल फॉर्म फ्रॉम द मोबाइल फोन ऑफ एनी विटनेस और एनी हवाला ऑपरेटर। नंबर टू, नो रिकॉर्ड सीज्ड फ्रॉम एनी हवाला ऑपरेटर इन कनेक्शन विद दिस अमाउंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। यानी आपने जो कहा कि 30 करोड़ रुपए पर्चियों के लेन देन के माध्यम से गोवा, दिल्ली से गोवा गए,
उसका भी कोई सबूत ईडी के पास, सीबीआई के पास नहीं है।